हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फाइन। और उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर डिस्कशन किया था, फाइन। अब आपने देखा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में और कैपिटलाइजेशन मेथड में स्पेशली एक टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होती है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में उस कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कैपिटल एम्प्लॉयड को एक आम आदमी की जबान में, एक लेमन के सेंस में बोलें, तो लेमन सेंस में कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, या हम उसको बोलें कि भाई अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो क्या, और कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला कौन होता है? बिजनेस का ओनर होता है। तो इट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड मींस, अभी मैं लेमन सेंस में बात कर रहा हूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इन द बिजनेस, व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ठीक, फाइन। और हम यहां पर जो गुडविल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये गुडविल वाला टॉपिक एज पर पार्टनरशिप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। ये याद रखिएगा कि गुडविल को हम यहां पर पार्टनरशिप फर्म के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो पार्टनरशिप फर्म का ओनर कौन होता है? पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। जो कैपिटल वो लगाते हैं उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, ओके जी। और बिजनेस कौन सा होता है? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई एक आम आदमी की जबान में। थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल बनाते हैं। टेक्निकल मींस, अब हम तो अकाउंट्स के स्टूडेंट है, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाना पड़ेगा। तो टेक्निकली अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड, स्पेशली इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होगा ओनर्स फंड, ठीक है। ओनर्स फंड मींस, और पार्टनरशिप फर्म में ओनर कौन? पार्टनर्स। तो हम बोलेंगे पार्टनर्स फंड, ऐसा फंड जिसके ऊपर होल एंड सोल राइट या अल्टीमेट राइट किसका हो? आपके बिजनेस के ओनर का हो। अल्टीमेट राइट मींस हो सकता है किसी को देना, उसके बाद जो फाइनली बचेगा उस फाइनल राइट किसका होगा? आपके बिजनेस के ओनर का होगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं टेक्निकली, तो ओनर्स फंड जो होता है ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ये वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, प्लस सेकेंड एलिमेंट होता है अमाउंट अर्न्ड बाय द बिजनेस, अमाउंट अर्न्ड बाय द बिजनेस फॉर द ओनर, फॉर द ओनर अगेंस्ट दिस कैपिटल। जैसे अगर हम इसमें बात करें भाई, ये हमारे पार्टनर्स हैं और इधर हमारी क्या है? अल्टीमेटली फर्म है। तो ये पैसा पार्टनर फर्म के अंदर कौन सा पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं? कैपिटल। ये अभी मैंने आपसे कहा कि भाई पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर मैं कहूं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर कौन है? पार्टनर्स है, है ना। और वो बिजनेस क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस। तो लेट सपोज अगर थ्री पार्टनर्स हैं ए बी और सी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओनर्स फंड में पहली चीज आएगी वो अमाउंट जो पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया। लेट सपोज एक पार्टनर है, इसने इन्वेस्ट किया है 8 लाख, बी एक पार्टनर है, इसने इन्वेस्ट किया है 7 लाख, एंड सी इज द पार्टनर हु इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख। तो देखा जाए तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख रुपीज, फाइन। तो पहला वो अमाउंट जो पार्टनर्स ने फर्म के अंदर इन्वेस्ट किया। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में अगर मनी इन्वेस्ट करता है तो उसका मोटिव क्या होता है? फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। उस बिजनेस, उस कैपिटल से वो बंदा क्या करता है? उस बिजनेस से प्रॉफिट निकालना चाहता है, उस बिजनेस से इन रिटर्न वो क्या चाहता है? इन रिवॉर्ड वो प्रॉफिट चाहता है उसमें, फाइन। तो अगर ये कैपिटल लगाई गई है तो इसके रिटर्न में बिजनेस क्या होता है? इसको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। और प्रॉफिट जो होता है वो रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में होता है। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जो आपको ऐसे रिजर्व्स, ये वाला अब इसका सेकंड पार्ट है, अमाउंट अर्न्ड बाय द बिजनेस फॉर द ओनर, ऐसा पैसा जो किसने बिजनेस ने अर्न किया हो फॉर द ओनर अगेंस्ट दिस कैपिटल, कैपिटल के बदले में जो उसने अर्न करके रखा हो, ऐसा अमाउंट कौन सा होता है? डिफरेंट इंटरनल रिजर्व्स एंड सरप्लस।
अब आप अपनी बैलेंस शीट में झांकेंगे कि वहां पर कौन कौन से रिजर्व्स हैं, इंटरनल लायबिलिटीज हैं और कौन कौन से सरप्लस हैं। लेट सपोज आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपने देखा तो वहां पर जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व पे किसका राइट होता है? अल्टीमेटली जनरल रिजर्व पे राइट होता है ओनर्स का। ये जनरल रिजर्व क्या है? ये प्रॉफिट का एक पार्ट है, हमने अप्रोप्रिएशन के फॉर्म में अलग रखा था। ओवरऑल प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट हमने अलग हटाकर रखा था फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, तो ये कहलाता है हमारा जनरल रिजर्व। लेट सपोज अगर इस आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 4 लाख है, और भी कोई रिजर्व हो सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट कोई कैपिटल रिजर्व पड़ा है, तो लेट सपोज आपका कैपिटल रिजर्व 2 लाख का है, इस कैपिटल रिजर्व पे भी किसका राइट होता है? अल्टीमेटली ओनर्स का राइट होता है। तो जब ओनर्स का राइट होगा तो ये भी किसमें ऐड हो जाएगा? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर प्लस हो जाएगा। बिसाइड्स कुछ और भी फंड होते हैं, जैसे वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर कोई वर्कमैन्स को देने के लिए कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं है तो फिर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व पर किसका राइट होता है? अल्टीमेटली पार्टनर्स का। तो लेट सपोज अगर इस वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व की अमाउंट 2 लाख है, जस्ट लाइक व्हाट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी इधर आ जाएगा, मान लो 2 लाख रुपए ये भी है, तो ये 2 लाख रुपीज आ गया। अब हम उसके बाद इन सबका टोटल लगा लेंगे तो 30 लाख विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मीनिंग ये होगा, अब आप सीधे से अगर समझें तो भाई मीनिंग क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का? ओनर्स फंड, वो फंड जिसके ऊपर होल एंड सोल प्योरली किसका राइट होता है? बिजनेस के ओनर का होता है। और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस के ओनर्स कौन? पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनर्स का राइट इसके ऊपर अल्टीमेटली होगा। तो अगर हम देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सा फंडा है ओनर्स फंड, व्हाट एवर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस एंड व्हाट एवर अमाउंट विच इज अर्न्ड बाय द बिजनेस फॉर द ओनर। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने की देर आर 2 अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच इज व्हाट? लाइबिलिटी साइड अप्रोच या लाइबिलिटी अप्रोच, ठीक है जी। एंड अगर एक लाइबिलिटी अप्रोच है तो नेक्स्ट सेकेंड कौन सी होगी? एसेट अप्रोच, ठीक है। और इन दोनों के अपने अपने कुछ फंडे होते हैं, दोनों का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच के अंदर यहां पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट साइड से कैलकुलेट करते हैं। पहले इसके पीछे मैं एक लॉजिक आपको बताऊं, एक बैलेंस शीट बनाकर, और उसके बाद फिर मैं दोनों के फॉर्मेट लिखूंगा और उस फॉर्मेट को वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर हमारे सामने एक बैलेंस शीट है जिसकी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है, ए बी सी की, रिजर्व दिया बैंक लोन और करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, फिक्स एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। अब ये लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच के फंडे के लिए मैंने सिर्फ आपको ये बताया। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस व्हाट? ओनर्स फंड। और ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल प्लस व्हाटएवर रिजर्व्स, जो इंटरनल लायबिलिटीज, ऐसे रिजर्व्स जिसके ऊपर राइट किसका होगा? अल्टीमेटली ओनर का होगा। तो यहां पर ठीक है, अच्छा रिजर्व्स ओनर के क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक टाइप का प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट पर ओनर का राइट होता है। इसी तरह से अगर कोई बिजनेस में लॉसेस हो जाएंगे तो उस लॉसेस को वो उसके ऊपर उस लॉसेस का बर्डन भी किस पर आएगा? अल्टीमेटली ओनर्स पर आएगा। यहां पर हम लाइबिलिटी साइड में देखें तो दिस इज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है, ये रिजर्व्स हैं, ये दोनों हमारे ऐड होना चाहिए, तो यहां पर हम इन सबको ऐड करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहां पर हमारी एक फिक्टिशियस एसेट भी है, और फिक्टिशियस एसेट जो होती है वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है, लॉसेस को, जस्ट लाइक व्हाट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फाइन। तो ये जो है फिक्टिशियस एसेट, ये लॉसेस, जैसे ये प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। तो अगर मैं यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं लाइबिलिटी अप्रोच से, तो 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15 + 3 = 18, तो यहां पर टोटल कैपिटल्स हो जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी टोटल 15 लाख और रिजर्व्स मतलब जो प्रॉफिट्स इनके मिल रहे हैं 3 लाख, और उसमें से फिक्टिशियस एसेट अगर मैं माइनस करूंगा तो कितनी आ जाएगी हमारी? 3 लाख रुपीज। तो फाइनली हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? 15 लाख, फाइन। अब अगर देखिए मैं बैलेंस शीट में इन एलिमेंट्स को लेता हूं और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं इससे भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या करा मैंने अभी, इनको प्लस करके ये माइनस किया, मैं इन दोनों को ऐड करके ये वाले एलिमेंट्स माइनस कर दूं तो फाइनली मेरे पास वही सेम टू सेम कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, उसके अंदर सारी रियल एसेट्स लूंगा। रियल एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाती है? पहले फिक्स्ड एसेट आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट कितने लाख की है? 18 लाख की। करंट एसेट कितने लाख की है? 7 लाख रुपीज की। और 18 और 7 कितना हो जाएगा? टोटल 25 लाख। उसमें से ये बैंक लोन और करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा, बैंक लोन एंड करंट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में बोलूं सीधे, तो ये टोटल कितनी हो गई? 10 लाख। तो माइनस करने के बाद फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? 15 लाख। तो मैं चाहूं तो
थ्रू लाइबिलिटी जाऊं या मैं चाहूं तो थ्रू एसेट आ जाऊं। अगर एसेट के थ्रू आना है तो मुझे ये सारी आइटम्स को कंसिडर करना पड़ेगी जो मैंने रेड मार्कर से जिसकी आउटलाइन की है, और लाइबिलिटी अप्रोच से मुझे ये ब्लू मार्कर वाली आइटम कंसिडर करना पड़ेगी। मैं लाइबिलिटी साइड को लूंगा, मीन्स इंटरनल लाइबिलिटीज लूंगा, और उसमें से फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो मेरे पास दूसरी अप्रोच भी है, एसेट अप्रोच। अब हम इसके एसेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। और भी इसके अंदर आइटम्स होती हैं, कुछ चीजों का एक्सक्लूजन और कुछ चीजों का इंक्लूजन होता है, हम उसके ऊपर भी वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहले हम बात करें अबाउट द एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच के अंदर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम क्या लेकर चलते हैं? अच्छा, एक बात याद रखने का कि वी आर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म। पहली बात कि हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, दूसरी बात हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर दो कॉलम ले लिए, पर्टिकुलर्स और सेकेंड कॉलम इज वॉट अमाउंट। आप चाहें तो उसको फॉर्मूले की बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे लिए फॉर्मेट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो मैं उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था, एसेट साइड लूंगा तो मींस वो एसेट टू लाइबिलिटी आऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा ऑल रियल एसेट्स, और अगर मैंने रियल एसेट्स की बात की तो इसका मतलब क्या होगा, आई विल एक्सक्लूड व्हाट फिक्टिशियस एसेट। अच्छा, इसमें रियल एसेट्स के अंदर सब आती है, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, ऑल एसेट्स, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी की सारी चीजें रियल एसेट के अंदर आती हैं, जिनकी कोई एक्चुअली कोई मॉनेटरी वैल्यू उसके अंदर होती है, फाइन। अब इसके अंदर से कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, मींस इनमें से किन किन चीजों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा अगर वो रियल एसेट में आती है, मींस अगर वो आप प्लस कर रहे हो तो लो ही मत, और अगर इंक्लूडेड है तो उसको हटा दो, ठीक है। एक्सक्लूजन्स में क्या क्या आएगा, नंबर वन एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मीनिंग क्या होगा, जो गुडविल ऑलरेडी आपकी फॉर्म की एसेट साइड में एग्जिस्ट करती है, जो पहले से सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने क्रिएट करके बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करके रखी है, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल हटाना पड़ेगी, फाइन। एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाने के पीछे लॉजिक क्या है सर, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हटाने के पीछे लॉजिक ये है, मैंने अभी क्या कहा कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल, हम नई गुडविल आज की डेट में क्या गुडविल है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइन। तो जब हम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो फिर हम उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल क्यों लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो एग्जिस्टिंग गुडविल हटाना पड़ेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि जो गुडविल आपकी फॉर्म के बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हटा करके चलनी है, फाइन। तो सबसे पहली बात कि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल हटाना पड़ेगी, रीजन क्या, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गुडविल को ही तो कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो पुरानी गुडविल है उसको क्या करो, आप एग्जिस्ट क्या करो, उसमें हटा दो। नंबर टू इसके अंदर होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अब देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फॉर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे ये दो टाइप के होते हैं किसी भी बिजनेस में, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज व्हाट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किसी और फर्म में, ये इन्वेस्टमेंट भी एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट भी किसी और फर्म में होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी किसी और फर्म में होता है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी फर्म में, किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरे बिजनेस में किए जाते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है आपके इस बिजनेस को, आपके बिजनेस को और फर्दर मींस आगे उसको और बढ़ाने का, उसको एक्सपांड करने का, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपने क्या किया, आपकी एक फर्म है जिसमें ABC है, ठीक है, और इसकी एक और कॉम्पिटिटर फॉर्म में XYZ लोग की, अब इसके अंदर से ये लोग किसी नए बंदे को लेना चाह रहे हैं, या आपने क्या किया कि इनको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपकी ABC फॉर्म ने इनको लोन दे दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई आपने लोन दिया तो अब वो आपके डेटर बन जाएंगे और आप उसके लोन प्रोवाइडर फाइनेंसर्स बन जाओगे। आपका इंटेंशन क्या था कि कुछ टाइम के बाद हम इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्ट, अच्छा ये पैसा आपने इसमें लगाया तो आपकी फॉर्म के लिए एक टाइप का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका इंटेंशन इसके अंदर क्या था कि भाई कुछ टाइम बाद हमारा ये जो लोन है ये हम इसके अंदर और स्लोली स्लोली बढ़ाते जाएंगे, इनको फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और एक एक्सटेंट पर आने के बाद में जब हमारा पैसा इतना सारा इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड होगा तो इस बिजनेस के ऊपर हमारा फाइनली क्या होगा, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो जाएगा।
और जब इस बिजनेस में हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा एक कॉम्पिटिटर तो क्या हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा। कॉम्पिटिटर मार्केट से बाहर होना मीन्स हम एक तरह से बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, कि भाई आराम से हम इस बिजनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। या मैं ऐसा कहूँ कि भाई आपने किसी एक छोटी मोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसके मेजॉरिटी शेयर्स बाय कर लिए इस इंटेंशन से कि भाई आप उस मेजॉरिटी शेयर्स को बाय करके स्लोली स्लोली उस कंपनी के ऊपर क्या कर दोगे, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। और एक बार कंपनी के ऊपर कंट्रोल हो गया तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो जिस भी इन्वेस्टमेंट से अगर आपने किसी दूसरे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट करने के पीछे पर्पस और इंटेंशन ये है अपने बिजनेस को फर्दरेंस मींस अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का पर्पस है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, फाइन। तो और दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि भाई आप नॉर्मली कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो। लेट सपोज जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के या विप्रो लिमिटेड के क्या कर रहे हैं, कुछ 5% शेयर्स बाय कर रखे हैं। तो अब 4% 5% शेयर्स बाय करने से आपकी उस कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स नहीं होगी। और आपको पता है कि मैं इसके अंदर बाय भी करना चाहूं तो एक एक्सटेंड तक हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इतना पैसा हम नहीं लगा सकते कि भाई 51% की होल्डिंग हो जाएगी। आपकी किसी कंपनी में होल्डिंग तभी होगी जब उसके पास आपके पास उस कंपनी के मिनिमम 51% शेयर्स होंगे, फाइन। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉर्मली आपकी एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। किस लिए की आपने, कि भाई इसकी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस होंगे स्पेकुलेशन से, उस फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस की वजह से आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर लोगे, तो वो प्रॉफिट, या फिर कल को प्राइस बढ़ी और उसके अलावा जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो डिविडेंड से भी आप क्या करोगे, अर्निंग्स करोगे उसमें। मीन्स यहां जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके सरप्लस मनी को कहीं मार्केट में लगाने का है। आपका पर्पस अपने बिजनेस का एक्सपांशन नहीं है, अनलाइक व्हाट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस था आपके बिजनेस को एक्सपांशन देना, भले ही आप उसको पब्लिकली उसको एग्री एक्सेप्ट करें या एडमिट ना करें उसके, फाइन। तो यहां पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटाना पड़ेगा और ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लिए जाते हैं। मीन्स अगर आपकी बैलेंस शीट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो रियल असेट्स में वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसमें से हटाना पड़ेगा। ओके, फाइन, मैं क्लियर। उसके बाद थर्ड जो होती है इसमें क्या होगी, फिक्टिशियस एसेट। भाई रियल एसेट की बात कर रहा तो मैं, वैसे तो ये फिक्टिशियस एसेट अल्टीमेटली लिखना नहीं चाहिए, बट फिक्टिशियस एसेट को हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से हटा करके चलना पड़ेगा। तो ये फिक्टिशियस एसेट भी होगी, तो ये फिक्टिशियस एसेट भी हटा देंगे। वैसे मैंने यहाँ वर्ड रियल एसेट यूज कर दिया है तो यहाँ फिक्टिशियस एसेट लिखना नहीं चाहिए, बट सिर्फ एक आपके नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। फिक्टिशियस एसेट के अंदर क्या आएगा, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और हमने क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ये वाले एक्सपेंसेस क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट में कंसीडर होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर नथिंग बट दे आर लॉसेस। ये क्या होते हैं, अपने आप में बिजनेस के लॉसेस होते हैं जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ एक्चुअली नहीं किया, इसलिए वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फाइन। तो हमारी रियल एसेट के अंदर 3 एक्सक्लूजन्स होंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होंगे तो उनको इंक्लूड करके चलना है। ओके, फाइन। तो हमने इनको हटाना, एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन का मतलब अगर आप अलग अलग एसेट ले रहे हैं तो इनको लो ही मत, और अगर आपने टोटल एसेट लिया है तो फिर इनको आप क्या करेंगे, माइनस करके चलेंगे। ओके, माय क्लियर। इसमें से हम माइनस करेंगे लेस व्हाट, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मीनिंग होता है वो लायबिलिटीज जिस पर राइट थर्ड पार्टी के बिजनेस की एक्सटर्नल पार्टीज का होता है। नंबर वन व्हाट, करंट लायबिलिटीज, जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटीज होंगी लेस देन 12 मंथ्स की, और दूसरी हो जाएंगी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या बैंक के क्या हो जाएंगे इसके अंदर लोन हो जाएंगे, फाइन। तो ये इसको हम कर देंगे, उसमें से ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इस कैपिटल एम्प्लॉयड पर आप NRR का फॉर्मूला लगाकर यू कैन फाइंड आउट व्हाट कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट, फाइन। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से था, कि एसेट अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी रियल एसेट ले लो, रियल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट सब आ जाएंगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश इन एंड इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ठीक है, डेटर्स, ये सब कुछ आ जाएंगे उसके अंदर। ये 3 चीजों को हमें एक्सक्लूड करके चलना है, और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम अल्टीमेटली क्या कर देंगे, फाइनली माइनस कर देंगे। ओके, चलिए जी, तो ये हमारी एसेट अप्रोच हो गई। अब हम बात करें अबाउट द लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही, इसके अंदर हम अगर इसमें लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में व्हाट वी विल कंसीडर, वी विल कंसीडर व्हाट, ये हो गए आपके पर्टिकुलर्स और इधर आ जाएगा आपका अमाउंट।
ओके जी, तो सबसे पहले हम लेंगे व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल लेंगे। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड से एसेट पर आएंगे हम। इसमें किसमें आए थे, एसेट साइड से लाइबिलिटी पर आए थे। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल ले लेंगे, ए बी सी डी जितने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ले लीजिएगा, फाइन। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या करेंगे हम, जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा उनको एड कर देंगे, फाइन। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिक्टिशियस एसेट, ये हमने माइनस किया फिक्टिशियस एसेट। वैसे देखा जाए तो यहां आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाना चाहिए, बट हमें ये दो आइटम्स भी लेना पड़ेगी। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो दैट एग्जिस्टिंग गुडविल विल आल्सो बी डिडक्टेड, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी यहां पर बाकायदा माइनस करना पड़ेगा। यहां पर एक्सक्लूजन वर्ड क्यों लिखा है कि आप अगर एक एक एसेट ले रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड करो, लो ही मत। लेकिन यहां पर तो जब आपने पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस लिया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें इंक्लूड हो गई, तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपल्सरीली माइनस करना पड़ेगा। और फाइनली यू विल रीच टू व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को इस अप्रोच से कैलकुलेट करें या इस अप्रोच से कैलकुलेट करें, आंसर विल बी द सेम। आपका आंसर हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में एसेट की इंफॉर्मेशन होती है, तो वी बेसिकली गो थ्रू फ्रॉम एसेट टू द लाइबिलिटी, एसेट अप्रोच में ये चीजें लेनी है। और कुछ इंफॉर्मेशन में लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन होती है कुछ क्वेश्चंस में, तो उनमें हमारे को ये कंसिडर करना पड़ेगा। हम इसको और क्लियर करने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को हम लें। ये मैं ले रहा हूँ ग्रेड 12th की TS ग्रेवाल बुक से। इसमें एक इलस्ट्रेशन है जिसमें कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव टू अप्रोचेस, मींस बाय टेकिंग कंसिडरिंग लाइबिलिटी अप्रोच एज वेल एज द एसेट अप्रोच। और एक बैलेंस शीट गिवन है, और इस बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखी हैं, अमन और भास्कर, ए और बी की कैपिटल है। और बिसाइड्स वी हैव जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड टुवर्ड्स एसेट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल है हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल मैंने कहा था, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशली मैंशन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, स्टॉक इज गिवन, और डेटर्स कैश एट बैंक, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स फिक्टिशियस एसेट के फॉर्म में वी हैव एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फाइन। तो हमें इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है यूजिंग एसेट अप्रोच एज वेल एज द लाइबिलिटी अप्रोच। तो चलिए जी, सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करें बाई यूजिंग वॉट, एसेट अप्रोच। तो एसेट अप्रोच से कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये दो कॉलम्स हमारे बन गए, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल रियल एसेट्स, जो जो रियल एसेट्स होंगी वो लेनी है कुछ एक्सक्लूजन्स के साथ, ठीक है। हम एक एक एसेट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग यस ऑफ कोर्स इंक्लूड करनी है, वैल्यू इज रुपीज 1,50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,50,000, फाइन। उसके बाद गुडविल, मैंने कहा था आपको कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है उसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, एक्सक्लूजन में लेना है। तो जब आप अभी आप सेपरेटली एक एक एसेट ले रहा हो तो लो ही मत, हटा दो, कंसिडर ही मत करो। इन्वेस्टमेंट ट्रेड, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूजन में आता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूजन में आता है, तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए गिवन है। उसके बाद वी हैव स्टॉक ऑफ रुपीज 50,000, स्टॉक भी हमारा कितना है, यस 50,000 रुपीज का स्टॉक है, 50,000 रुपीज का स्टॉक। बिसाइड्स वी हैव डेटर्स ऑफ 70 एंड कैश एट बैंक ऑफ 30, डेटर्स ऑफ रुपीज 70,000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज वॉट 30,000, ठीक है जी। अच्छा, बिसाइड्स इसके अंदर एक और क्या देके रखा है आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विच इज अ फिक्टिशियस एसेट। मैंने आपसे कहा था फिक्टिशियस एसेट को भी एक टाइप से क्या करना पड़ेगा, आपको अल्टीमेटली एक्सक्लूजन में लेना पड़ेगा, तो ये भी आपको एक्सक्लूड करके चलना है उसमें, फाइन। तो अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल इज 2 लाख, और ये 3 लाख रुपीज हो रहा है इसका टोटल, 2 लाख 50 और 3 लाख 50, टोटल इज वॉट रुपीज 3,50,000। ये एसेट साइड हो गई। नाउ वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, वी हैव टू डिडक्ट ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो चलिए जी, नंबर वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डिडक्ट किया विच इज रुपीज 10,000, 10,000 रुपए इसमें से डिडक्ट कर दिए। नंबर टू व्हाट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज
90,000 क्रेडिटर्स को हमने लिया टोटल 90,000. जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज एन इंटरनल लाइबिलिटी एंड वी हैव टू कंसीडर ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटी. जनरल रिजर्व नहीं लेना और पार्टनर्स की कैपिटल भी अल्टीमेटली नहीं लेना. तो टोटल बिकम्स रुपीज 1 लाख. ये 1 लाख रुपए का टोटल हो गया. 3,50,000 में से 1 लाख माइनस किया तो आंसर इज 2,50,000 विच इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड. चलिए जी, ये भी हो गया. अब ये हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया बाई यूजिंग वॉट लाइबिलिटी अप्रोच, सॉरी एसेट अप्रोच. नाउ वी विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर वॉट लाइबिलिटी अप्रोच. हम लाइबिलिटी अप्रोच को लेके चलते हैं और लाइबिलिटी अप्रोच में भी सेम आंसर तो सेम ही आने वाला है उसका. फाइन, तो ये पर्टिकुलर सॉरी अमाउंट. सबसे पहले हम क्या लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल. अब पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी साइड में मिलेगी. दो पार्टनर्स से ए एंड बी, ए की कैपिटल है 1,20,000 एंड बीज कैपिटल इज रुपीज 1 लाख. 1,20,000 और 1 लाख टोटल कैपिटल हो गई कितनी, 2 लाख रुपए. ठीक है, फाइन. नहीं सॉरी, 1 लाख और 1 लाख, इसकी भी 1 लाख है और इसकी भी 1 लाख, टोटल 2 लाख कैपिटल होगी. प्लस हम क्या लेते हैं इसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस. जितने भी रिजर्व्स होंगे, जनरल रिजर्व्स एक्सेट्रा, वो भी लेंगे. और रिजर्व के नाम पर एक ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व 90,000. ये हमने टोटल क्या किया, इसका अल्टीमेटली ले लिया. तो 1+1 टोटल अमाउंट इज रुपीज 2,90,000. फाइन. अब इसके अंदर से हम क्या क्या डिडक्ट करेंगे. लेस नंबर वन व्हाट, फिक्टिशियस एसेट. मैंने क्या कहा था, जो इधर एक्सक्लूजन्स होंगे वो यहां पर डिडक्शंस होंगे. फाइन, जो यहां पर एक्सक्लूड किए जाएंगे वो यहां पर डिडक्ट किए जाएंगे. तो पहले क्या एक्सक्लूजन था यहां पर, फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट में कितने की थी, 10,000 रुपीज की फिक्टिशियस एसेट थी. 10,000 रुपए फिक्टिशियस एसेट के डिडक्ट किए. और नंबर टू इज व्हाट, एग्जिस्टिंग गुडविल. एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की थी इधर, एग्जिस्टिंग गुडविल इज ऑफ रुपीज 30,000. ये माइनस, तो 2,90,000 में से अगर मैं 40 माइनस करूंगा तो वी आर लेफ्ट विद 2,50,000 विच इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अगर आप एसेट अप्रोच से जाएंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 2,50,000. लाइबिलिटी अप्रोच से भी जाएंगे तो भी एसेट की वैल्यू अल्टीमेटली 2,50,000. यहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला था इसलिए यहां पर वो इंक्लूजन है. फाइन, अगर ये नॉन ट्रेड होता तो यहां एक्सक्लूजन होता और यहां पर डिडक्ट होता. ओके फाइन, अभी हम एग्जांपल और इसके आगे लेते हैं. उसी सेम बुक में एक और इलस्ट्रेशन गिवन है और उसी बैलेंस शीट का, और उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है. तो इस इलस्ट्रेशन को भी हम देख लें और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों मेथड से कैलकुलेट कर लें, दोनों अप्रोचेस से, तो हमारा कंसेप्ट फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड पूरा कवर हो जाएगा. फाइन, बैलेंस शीट इज गिवन ऑफ मिस्टर ए एंड एस अमित एंड सुधीर. और जनरल रिजर्व और सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन एंड टुवर्ड्स असेट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग गुडविल इन्वेस्टमेंट स्टॉक सन्ड्री डेटर्स कैश एट बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन के अगर अंदर अगर मेंशन हो स्पेशली के द इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देन ओनली वी विल कंसिडर दोज इन्वेस्टमेंट एज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा. फाइन, और नीचे चाहो तो आप नोट भी लगा दो अलग से. तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा बाय डिफॉल्ट. डिफॉल्ट अजम्पशन ये होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. और अगर क्लियरली मेंशनड हो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ही उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें अल्टीमेटली मानना है. फाइन, तो फर्स्ट वी विल टेक व्हाट, एसेट अप्रोच. तो एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वी विल कंसिडर व्हाट, ऑल रियल एसेट्स with some exclusions. कुछ exclusions लेना पड़ेंगे हम उसमें. First real asset is land and building. Land and building की value कितनी है यहाँ पर, 3 लाख रुपीज. 3 लाख रुपीज की land and building है. चलिए जी, second item is goodwill. Goodwill, existing goodwill को consider नहीं करना, it is an exclusion, हटा दो. Investment कुछ नहीं लिखा, nothing is mentioned, so it will be considered as a non-trade investment. बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल consider नहीं करेंगे इसमें. Come to the stock, 1 लाख. इसकी बाद नेक्स्ट वैल्यू है स्टॉक की, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख. उसके बाद डेटर्स 1,40,000. डेटर्स हो गए 1,40,000 रुपीज के, और कैश एट बैंक हो जाएगा 60,000 रुपीज का. उसके बाद फिक्टिशियस असेट है, हमें फिक्टिशियस असेट को एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूजन है. ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख रुपीज. चलिए जी, हो गया. इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, वी बेसिकली डिडक्ट व्हाट, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज. अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में हम देखें तो नंबर वन इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 रुपीज का. फर्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 20,000 रुपीज का. एंड सेकंड वन इज व्हाट, क्रेडिटर्स. हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने रुपए के,
1,80,000 रुपीज़, तो 1,80,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं, टोटल अमाउंट इज़ रुपीज़ वॉट 2 लाख, तो 6 लाख में से अगर मैं 2 लाख माइनस करूँगा तो वी आर लेफ्ट विद वॉट रुपीज़ 4 लाख, दिस इज़ अवर कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर अवर एसेट अप्रोच, ये हमारी एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी। फाइन, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट करूँगा क्रॉस चेकिंग के लिए विद लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच से मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी लाइबिलिटी अप्रोच में सेम टू सेम कैलकुलेशन जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था, पर्टिकुलर सर अमाउंट, फर्स्ट वी विल कंसीडर व्हाट, वी विल कंसीडर पार्टनर्स कैपिटल, हम किसकी कैपिटल लेंगे, पार्टनर्स की, ए और एस दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज, दो और दो 4 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। बिसाइड्स वी हैव अ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 1,80,000, रिजर्व कितने के हैं टोटल 1,80,000 रुपए के, तो टोटल कितना हो गया 5,80,000, 5,80,000 के हमारी टोटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व हो गए। फाइन, अब इसमें से लेस क्या लेस करते हैं, मैंने आपको बताया था जो इधर के एक्सक्लूजन वो इधर डिडक्शन, ठीक है। नंबर वन वॉट, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट कितने की है जी, 20,000 रुपीज़ की फिक्टिशियस एसेट है। नंबर टू वॉट, एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो तो उसको भी डिडक्ट कर देंगे, गुडविल इज ऑफ ₹60,000। एंड नंबर थ्री, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जो यहाँ पर एक्सक्लूजन है वो यहाँ पर डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ₹1,00,000, 1 लाख ही 1 लाख रुपीज़ इसमें से हमने डिडक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1,80,000, 5,80,000 माइनस 1,80,000 इज ₹4,00,000, दिस इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से कैलकुलेट हुआ, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से कैलकुलेट हुआ। तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया, उसका एक्सप्लेन किया, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेस पर हमने डिस्कशन किया। आगे के क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने को आ सकता है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इस दो मेथड में से किसी एक मेथड से, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको सप्लाइड हो उससे, जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हो तो आप दोनों से कैलकुलेट करके इसको अल्टीमेटली क्रॉस चेक कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा कैलकुलेशन था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।